नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर हरियाणा से है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय को विभाजन समय आवंटित हुए 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा से खाली करवा हरियाणा विधानसभा को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसको ध्वनिमत से पारित किया गया। हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कुंवरपाल ने आज हरियाणा विधानसभा सचिवालय को विभाजन समय आवंटित हुए 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा से खाली करवा हरियाणा विधानसभा को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसको ध्वनिमत से पारित कर दिया। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1967 की धारा 3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 1 नवम्बर 1967 से अस्तित्व में आया। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कुंवरपाल ने वीरवार को हरियाणा विधानसभा सचिवालय को विभाजन समय आवंटित हुए 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा से खाली करवा हरियाणा विधानसभा को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसको ध्वनिमत से पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाएं का बंटवारा हुआ, वहीं पर अन्य समाधानों का भी बंटवारा हुआ। प्रदेश को बने हुए लगभग 94 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा दिनांक 17/10/1967 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय पंजाब के कार्यालय द्वारा आवंटित किया। उन्होंने बताया कि विधान भवन इमारत का कुल क्षेत्रफल 67,430 वर्ग फुट निर्धारित किया गया, इसमें से 30,890 वर्ग फुट पंजाब विधानसभा सचिवालय को दिया गया तथा 10,910 वर्ग फुट पंजाब विधान पर सचिवालय को दिया गया और 24,630 वर्ग फुट हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया। उन्होंने कहा कि यह महान सदन विधानसभा भवन की इमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फॉर्म पर अपनी बात पुरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा तथा यह सदन पंजाब सरकार तथा पंजाब विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह करता हूं कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1967 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधानसभा का बंटवारा हुआ, उसका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की इमारत में जो 24,630 वर्ग फुट स्थान जो हरियाणा विधानसभा सचिवालय को आवंटित हुआ था, उसमें से हरियाणा विधानसभा के जो 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा के पास हैं, उनको खाली करते हुए हरियाणा विधानसभा को सौंपा जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का केंद्रीय अधिनियम 1931 की धारा 3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 1 नवंबर 1966 से अस्तित्व में आया। उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ, वहीं पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही, सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं, हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात को के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा एवं पंजाब विधानसभा का बंटवारा दिनांक 17/10/1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय पंजाब के कार्यालय में तत्कालीन चीफ इंजीनियर कैपिटल प्रोजेक्ट चंडीगढ़ द्वारा बैठक बुलाकर निर्धारित अनुपात के अनुसार आवंटित किया। विधान भवन इमारत का कुल क्षेत्रफल 66,430 स्क्वेयर फीट निर्धारित किया गया, जिसमें से 30,890 स्क्वेयर फीट पंजाब विधानसभा सचिवालय को दिया गया तथा 10,910 स्क्वेयर फीट पंजाब विधान परिषद सचिवालय को दिया गया और 24,630 स्क्वेयर फीट हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है। प्रसिद्ध सदन लाभी सही जो हमें बंटवारे में आया, जो आज हमारा सदन है, पूर्ण रूप से हमारे पास है। बेसमेंट उत्तर पूर्व कक्ष संख्या 23, 24, 25, 26, ये 4 कमरे हमारे बंटवारे में आए, जिनमें से कमरा नंबर 23 तथा 26 आज भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में है। ग्राउंड फ्लोर दक्षिण पश्चिम कक्ष संख्या 27, 28, 29 तथा 30, ये 4 कमरे जो बंटवारे के समय हमें हमारे हिस्से में आए थे, आज ये 4 कमरे पंजाब विधानसभा के कब्जे में है। पहली मंजिल दक्षिण पश्चिम कक्ष संख्या 66, 67, 68, 69, 70 तथा 71, कुल 6 कमरे जो हमारे हिस्से में आए,
थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं। पहली मंजिल उत्तर पश्चिम कक्ष, संख्या 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 तथा 113, कुल 14 कमरे जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आए, जो आज पंजाब के कब्जे में हैं।